और ये स्कूल में बच्चे घूम रहे टहल रहे, सर ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। आरी सर थोड़ा तो बहुत ध्यान करते थे, बच्चे लोग को डांटते थे कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। यहाँ पे क्या चाहिए? हमारा ये चाहिए जो टीचर लोग वक्त पे नहीं आते वो वक्त पे आए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनका इंटरव्यू भी लिया जाए कि भाई इनको पढ़ना आता कि नहीं। क्या बात है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे मोहल्ले के, गरीबों के बच्चों पे गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च कर रही है। मैं बोलता कि टीचरों का इंटरव्यू लेकर राष्ट्रगान पढ़ाया जाए उनको कि उनको पढ़ना आता कि नहीं। कितने सारे बच्चे जिनको राष्ट्रगान नहीं आता है और वो उठा के आरिफ सर का तबादला करा दे, वो आदमी जो है कॉपरेट करता है स्कूल में अच्छा पढ़ाता है, हर अच्छे आदमी का तबादला करा दो सर पढ़ाएगा कौन, फिर पढ़ाएगा कौन। तो आरिफ हमारा डिमांड है आरिफ सर यहाँ पर वापस होना चाहिए। जो लोगों ने कंप्लेंट किया है जो कंप्लेंट किया है वो कंप्लेंट वापस लो, आरिफ सर को वापस लाओ। बोलता यहाँ से तबादला नहीं लेना, रिजाइन देना चाहिए क्योंकि सर आपको पढ़ाना आता नहीं है, आप खुद पढ़ाई में बोगस हो, आप रिजाइन ले लो, कौम के बच्चों का देश के बच्चों का मुस्तकबिल खराब मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्कूल पर जो डिसिप्लिन लाना चाहता है तो उसको स्कूल पर भगा दिया जाता है। टीचर को बोल रहा है कि भाई फंड का हिसाब दो, इसके पहले 2-4 साल पहले 4 लाख रुपये फंड आया, बच्चों के पास कापी किताब कुछ नहीं, स्कूल का तामीरी काम नहीं, भाई फंड क्या हुआ है? और जो आवाज़ उठा रहा है तो उसका तबादला, तो ऐसा कितने टीचर लोगों का आप लोग तबादला कराओगे? पढ़ना नहीं आया, बाद में मालूम ये पड़ा कि टीचर को नहीं आता तो बच्चों को क्या आएगा। जो गवर्नमेंट इनके ऊपर लाखों रुपया खर्चा कर रही है तो गरीब के बच्चों के लिए, तो खाली पैंट के अंदर कुर्ता घोस के आ रहे, 10 बजे आ रहे, 12 बजे चले जा रहे, तो ये कोई डीजी चले जाते हैं, उनके हाजिरी प्रेजेंटी लगी रहती है, इसमें अंदर बच्चों का एकदम अंधेरा हो रहा है। तो हम भिवंडी के महानगर पालिका स्कूल है ना, जय हिंद दोस्तों, आज भिवंडी महानगर पालिका के स्कूल नंबर 76 में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ मामले हैं टीचर की बदली को लेकर, यहाँ पे स्थानीय लोग जमा हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है, क्या वजह है, क्यों ये बदली की गई। सर यहाँ पर बताइए कि आज आप लोग इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं और क्या मामला है? सर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो स्कूल है ये स्कूल का कोई डिसिप्लिन नहीं है, टीचर वक्त पर नहीं आते, बच्चों को नहीं पढ़ाते और कोई सिस्टम इनका नहीं है। बच्चों के पास अभी मैंने एक टीचर से पूछा तो बच्चों के पास कितनी नोटबुक है, तो बोले 2 तो होगी। और आज से 2-4 साल पहले तक मैं स्कूल पे काम करता है, ये स्कूल पे जो डिसिप्लिन लाना चाहता है तो उसको स्कूल पे भगा दिया जाता, ऐसा एक टीचर आरिफ सर करके, तो आरिफ सर का जहाँ तक मेरे को जानकारी है तो वो आदमी पर्सनल खर्चा करता है, स्कूल की ऑफिस जो है आरिफ सर के पर्सनल पैसों से बनी, 64,000 का बच्चे लड़के लोगों को ड्रेस आरिफ सर ने बनाए, और जो है मोहल्ले के हिसाब से आरिफ सर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोहल्ले के हिसाब से वो टीचर एक ऐसा था जो इनकलाब ला सकता था। उसने दूसरे टीचरों को बोला कि भाई अभी तक हेड मिस थे दूसरे थे तो आप लेट आते थे, तो अभी ये सब नहीं चलेगा, तो आरिफ सर की कुछ कंप्लेंट किए है तो उनका तबादला हुआ। अब उनका तबादला हुआ भाई तो दूसरी जगह जाएंगे, पेमेंट उतना मिलेगा, नुकसान मोहल्ले का है। यानी जो डिसिप्लिन चाह रहा है, टीचर को बोल रहा है कि भाई फंड का हिसाब दो, इसके पहले 2-4 साल पहले 4 लाख रुपये फंड आया, बच्चों के पास कापी किताब कुछ नहीं, स्कूल का तामीरी काम नहीं, भाई फंड क्या हुआ है? और जो आवाज़ उठा रहा है तो उसका तबादला, तो ऐसा कितने टीचर लोगों का आप लोग तबादला कराओगे? ये स्थानीय होने के वजह से आपने यहाँ पे कभी प्रशासन से इस तरीके की मांग की या कभी आपने इस तरीके का सवाल प्रशासन से पूछा है क्या कि ये जो स्कूल की कमी है, जो यहाँ पे काम नहीं होते, टीचर बराबर पढ़ाई नहीं करते, बच्चे बराबर आते नहीं है, जो भी मामले पे आप लोगों ने कभी प्रशासन से इस तरीके सवाल किया, कभी वहाँ पर आप गए, कभी इस संबंध में बात किया गया? बिल्कुल, एक मरतबा मैंने ये स्कूल को माहिती भी डाल चुका, और माहिती मारने के बाद मैं सर के पास आया था और सब लोगों से बात ये किया था, जिसमें आप पूछ सकते हैं आरिफ सर भी मौजूद थे कि सर अभी तक तो मैंने सर्वे किया तो एक एक स्कूल में 2-2, 3-3 बच्चों को पढ़ना नहीं आया, बाद में मालूम ये पड़ा कि टीचर को नहीं आता तो बच्चों को क्या आएगा। तो फिर मैं बोला जो हो गया उसमें मट्टी डालो सर, जो कमज़ोर बच्चे अलग से ट्यूशन पढ़ाओ, ट्यूशन के जो चार्जेस रहेंगे, जो फीस रहेगी, मैं मोहल्ले में घूमूंगा, मोहल्ले के बच्चों के लिए भीख मांगूंगा और आपका खर्चा पूरा करूंगा, आप खाली बच्चों के पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन वो लोगों का मिजाज ऐसा था, ऑफिस में आओ, पटीली करो, चाय पानी पियो, जाओ, अपना काम ऐसा नहीं है। मोहल्ले के जो गवर्नमेंट इनके ऊपर लाखों रुपया खर्चा कर रही है तो गरीब के बच्चों के लिए, तो खाली पैंट के अंदर कुर्ता घोस के आ रहे, 10 बजे आ रहे, 12 बजे चले जा रहे, तो ये कोई डिसिप्लिन नहीं हुआ सर। मैं तो बोलता ऐसे टीचर को यहाँ पर रहना भी नहीं चाहिए, ये पूरे मोहल्ले का डिमांड है। बोलो भाई। बिल्कुल जी, ऐसे टीचर के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ 7 बजे की स्कूल रहती है सुबह में,
हमने यहाँ तक जा भी देखे जब तक भी अजीम सर यहाँ पर 6:30 बजे टच हो जाते थे, अपने टाइम पे स्कूल में बच्चों को लेते थे। आज सर लोगों का यह है कि कोई सर 8 बजे आता है, कोई सर 9 बजे आता है। अभी बच्चों से पूछा गया तो सब बच्चों ने ही बोले कि सर 8 बजे 9 बजे आते, तो हो सकता है कि यही वजह से अजीम सर को यहाँ से हटाया गया हो, क्योंकि टाइम टेबल पे आएंगे उनका राज चलेगा और आरिफ सर जो है टाइम टेबल पे अपने पाबंद थे और बच्चों को भी पढ़ाई ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है और इनका पर कोई देखरेख नहीं है प्रशासन महानगर पालिका के तरफ से। टीचर लोग कभी भी आते हैं कभी भी चले जाते हैं, उनकी हाजिरी प्रेजेंटी लगी रहती है। इसमें अंदर बच्चों का एकदम अनदेखा हो रहा है और इसके अंदर जो मोहल्ले के महानगर पालिका के टीचर है अजीम सर यहाँ काफ़ी नहीं अभी फिलहाल तो यहाँ पर नहीं था बता किया गया, लेकिन वो जो है ना स्कूल का भी बच्चों का नहीं अजीम सर उनको हटा दिया सर को भी हटाया जा रहा है, तो जो फिक्र करता है बच्चों की और मोहल्ले की स्कूल की उनको यहाँ से हटा दिया जाता है और जो यहाँ से लगाव है उनको फिक्र करेगा, बच्चों की फिक्र करेगा, मोहल्ले की फिक्र करेगा, स्कूल की फिक्र करेगा। आज वो लोग जो फिक्र करने वाले यहाँ पे नहीं है तो कोई भी कितनी गंदगी है पीछे, कोई पेशाब करके जा रहा है, कोई गंदगी कर रहा है, कोई खेल रहा है मैदान में, कोई फिक्र ही नहीं है। मगर प्रशासन की यहाँ पर ख्यालत नहीं है, उनकी नज़र नहीं है, यहाँ सब नज़रअंदाज हुआ जा रहा है। इसके लिए यहाँ जो मोहल्ले की फिक्र करेंगे ऐसे टीचर को लाओ और बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ने को यहाँ पे क्या चाहिए। हमारा ये चाहिए जो टीचर लोग वक्त पे नहीं आते वो वक्त पे आए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनका इंटरव्यू भी लिया जाए कि भाई इनको पढ़ना आता कि नहीं, क्या बात है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे मोहल्ले के गरीबों के बच्चों पे गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च कर रही है। मैं बोलता कि टीचरों का इंटरव्यू लेके राष्ट्रगान पढ़ाया जाए उनको कि उनको पढ़ना आता कि नहीं, कितने सारे बच्चे जिनको राष्ट्रगान नहीं आता है और वो उठा के आदिम सर का तबादला कर रहे थे। वो आदमी जो है कॉपरेट करता है स्कूल में अच्छा पढ़ाता है, तो हर अच्छे आदमी का तबादला करा दोगे सर पढ़ाएगा कौन, फिर पढ़ाएगा कौन। तो आरिफ हमारा डिमांड है आरिफ सर यहाँ पर वापस होना चाहिए, जो लोगों ने कंप्लेंट लिए जो कंप्लेंट लिए है वो कंप्लेंट वापस लो, आरिफ सर को वापस लाओ। बोलता यहाँ से तबादला नहीं लेना, रिजाइन देना चाहिए क्योंकि सर आपको पढ़ाना आता नहीं है, आप खुद पढ़ाई में बोगस हो, आप रिजाइन ले लो, कौम के बच्चों का देश के बच्चों का मुस्तकबिल खराब मत करो। गलत हो आराम भी हो उनके की पढ़ाई हो रही है स्कूल में, अब बच्चे घूम रहे टहल रहे सर ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। आरिफ सर थोड़ा तो बहुत ध्यान करते थे, बच्चे लोग को डांटते थे कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, हर मोहल्ले में दौड़ते थे भी थे हर चीज़ के। वो बोला अब इतना टीचर एकदम कर दिए हैं कि तनको कहाँ बच्चे जा रहे हैं कहाँ नहीं, अपना नाश्ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं क्या कोनो है नहीं था। तो आप लोगों की डिमांड है कि आरिफ सर आरिफ सर आए पढ़ाए लिखाए अपना अच्छे से देखभाल करें, बहुत ध्यान करते थे। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? वो तीसरी में, मैं तो निकाल ली क्या करें पढ़ाई नहीं हो रही थी, मैं निकाल के डाल दी। आप इसी वजह से निकाले कि यहाँ ध्यान ध्यान नहीं देते वजह से आपने बच्चों को स्कूल से कब निकाले आपने? मेरे को हो गया 2 साल। 2 साल हो गया, 2 साल पहले तो आरिफ सर तो थे ना, ध्यान दे रहे थे बोले उतना ध्यान नहीं देते सर, रहते ध्यान होता था नहीं रहते तो नहीं ध्यान रहता था, तो क्या करेंगे अपना निकाल के अपना। मैं बोली अभी है कि ये जो स्कूल प्रशासन है वो बराबर से बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर पढ़ाई को लेकर टीचर भी जो है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं क्या पढ़ने आता है या नहीं आता है, बच्चे कहाँ है कब आते हैं कब जाते हैं, किसी टीचर को इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस तरीके का आरोप जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगाया है। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला भी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये जो उनका बच्चा था वो 2 साल यहाँ पहले पढ़ता था लेकिन उन्होंने यहाँ पे लापरवाही पढ़ाई बराबर नहीं होने की वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। तो प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर ये स्कूल चालू है तो ये क्यों चालू है, कि खाली सैलरी देने के लिए चालू है या यहाँ पर कुछ एजुकेशन मिलेगा बच्चों को, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। और यहाँ पर एक डिमांड इन लोगों की है, स्थानीय लोगों की डिमांड है कि आरिफ सर आरिफ सैयद करके जो है एक टीचर थे यहाँ के एक इंचार्ज थे, उनका तबादला कर दिया गया है। यहाँ पे स्थानीय लोग जो इकट्ठा हुए हैं उनकी वजह यही है कि उनको वापस लेकर आना चाहिए और वो एक स्ट्रिक्ट सर है और जो अच्छे हैं बच्चों के ऊपर डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, टाइम टू टाइम जो है उनका बराबर से बच्चों के ऊपर ध्यान रहता है। इस तरीके की मांग स्थानीय लोगों ने किया है।